हम आधुनिक भारत के लोग हैं, हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो तकनीक के मामले में आज काफी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर हैं। हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है जिसमें हम बस कुछ ही सेकंड में किसी भी विषय के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। हमें जहाँ जाना हो पल भर में दूरी तय कर लेते हैं, हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर भी पहुंच जाते हैं और अपना काम वापस करके भी लौट आते हैं। इतनी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर रखा जाए तो बिल्कुल हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए उस जमाने के लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। जरा सोच कर देखिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि 1000 साल पहले का भारत कैसा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आज जब हम अपने भारत को देखते हैं तो हमें लगता जरूर है कि भारत एरिया के मामले में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई दंश सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसीलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजरें जमाई और यहाँ पर राज किया। अब भारत एरिया में तो बहुत था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत ज्यादा दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है, खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी, इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। देश में एक ऐसा समय काल भी आया था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो भी अफगान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरे देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था, वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना नहीं देखते थे और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं न कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया, ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही, साथ ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है, पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में से 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट
करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था, यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना ही पसंद करते थे, इसीलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे, बाकी के 90% लोग गाँव में ही रहा करते थे। गाँव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी, अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, इसीलिए हर गाँव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गाँव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहाँ पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गाँव जहाँ तालाब नहीं थे वहाँ तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर भी निर्भर रहा करते थे। हर गाँव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गाँव रहा हो जहाँ पर कोई मंदिर ना हो। गाँव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उनमें से बस कुछ जरूरत की चीजें मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजन सामग्री इत्यादि ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था, लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा की जगह कुछ और चीजें देकर भी सामान खरीदा जा सकता था, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि देकर भी लोग सामान खरीद लेते थे। दोस्तों, उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उसका निराकरण गांव में ही किया जाता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। अगर हम बात रोजगार की करें तो उस दौर में व्यापार के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे, कृषि पर ही ज्यादा लोग निर्भर थे, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगरी सिखाता था, यदि कोई चित्रकार है तो वह अपने बच्चे को वही काम सिखाता था। दोस्तों, उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही संचालित होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ अपने देश के बल्कि कई विदेशी मुल्कों से भी आते थे। अगर बात की जाए उस समय की शादी और संस्कार की, तो उस वक्त की शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी, और इसीलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन में नहीं समाप्त होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थी। बारात का आना और उनकी मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्साह हो। उस समय किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही उत्साहित हो जाता था, मानो उन्हीं के घर बारात आ रही हो और उनके पुत्र पुत्री की शादी होने वाली हो। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे, यही कारण था कि तब के लोग वायु प्रदूषण जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।